हेलो दोस्तों, गप्पूड़ी की नई वीडियो में आपका स्वागत नहीं है। ये सॉरी लॉग्स का चैनल है। सॉरी लॉग्स का भूल गया मैं बोलना। मेरी वीडियो है। नहीं नहीं तेरी वीडियो नहीं है, मेरा इंट्रोडक्शन है। सॉरी लॉग्स पे डालूंगा ये व्लॉग। मेरी पे कब डालेगा फिर? बहुत दिन हो गए मेरे पे तो व्लॉग ही नहीं डाल रहा तू। मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा, इससे किसी काम चलेगा? हाँ लोमड़ी डालूंगा, लेकिन ये अभी मेरा व्लॉग है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं आज एक स्पेशल चीज बताने वाला हूँ। इस जगह पर सोच सकते हो आप क्या होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोजेक्टर की स्क्रीन देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने मंगा लिया है प्रोजेक्टर। 27,000 रुपए का पड़ा है दोस्तों। सबसे टॉप मॉडल मंगाया है ईगेट कंपनी का, जो अभी आने वाला है। अभी तक आया नहीं है, तो मैंने सोचा आपको ये खुशखबरी दे दी जाए। प्रोजेक्टर इस जगह पे लगाऊंगा, टेडी बेयर लग रहा है, और सामने जो है स्क्रीन उधर पड़ेगी एकदम सामने। हाँ ठीक है, रुक तू। और दोस्तों अभी उसका इक्विपमेंट आ चुका है, क्योंकि मैंने पहले ये मंगाया था। ये 700 रुपए का है, जो लोहा लकड़ होता है ना लगाने का, जिसपे हमारा प्रोजेक्टर सेट होएगा। देखिए अभी खोला भी नहीं है, आपके सामने खोलेंगे, बिल्कुल पेटी पैक है। और अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्टर का आने का, क्योंकि उसका टाइम जो है वो अभी मेरे हिसाब से दिन तक भी आ सकता है, शाम तक भी आ सकता है, लेकिन आज ही आएगा इतना पता है मेरे को। इसलिए आज मैं जल्दी भी नहा लिया, सुबह उठ गया, और फिर मैंने खाना भी खा लिया, आम भी खा लिए। आपको पहले बताता हूँ, जो हम बोलते हैं ना प्यार से, गप्पूड़ी के आम। देख ये देखो, चप्पल लेके भाग रहा है आपका प्यारा गप्पूड़ा। कैसा लग रहा है मम्मी आपको, जल्दी बताइए। प्रोजेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पिक्चर देखने का कितना मजा आएगा उसमें, आपको गाने सुनने का मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। छोड़ूंगी मेरे प्रोजेक्टर को। मम्मी को ये हमारे प्यारे आदरणीय कुलदीप जी। कुलदीप जी बताना चाहेंगे कुछ, आपको कैसा लग रहा है आपके घर में प्रोजेक्टर आ रहा है, दीवार पे आप रोज पिक्चर देखेंगे, टॉकीज बनेगा। बढ़िया लग रहा है, और इंतजार नहीं रहा जा रहा, कब आएगी कब नहीं। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। कुलदीप जो है ये पॉपकॉर्न भी लेके आएगा, और हम रोज एक शो तो देखेंगे रात का, और बड़ा मजा आएगा, क्योंकि टीवी पे देखना और एक स्क्रीन पे देखने का अलग ही आनंद होता है। स्क्रीन में हम जब भी देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरे उस पिक्चर के अंदर ही घुस गए, या फिर कोई नाटक देखना हो, आईपीएल देख रहा हो, अब तो आईपीएल खत्म हो गए, वैसे कुछ भी देखना हो दोस्तों, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है दोस्तों। वैसे किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को कार चलाना, किसी को बाइक राइडिंग पसंद होती है, किसी को खाने का शौक बहुत होता है। ऐसे ही मेरे को पिक्चर देखने का बहुत शौक है, खासतौर पर टाकेजों में इसलिए जाता था, मैं आपको बताता नहीं था, लेकिन मैं बहुत जाता हूँ पिक्चर देखने। मुझे शोज ऐसे अच्छे लगते हैं जहाँ पब्लिक नहीं हो, लोगों को पसंद होते हैं हाउसफुल, कि हम जाएं तो पूरा फुल शो हो। मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा है कि बस मैं अकेला पूरे टॉकीज में पिक्चर देख रहा हूँ, एकदम शांत माहौल है बिल्कुल। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जो अच्छी पिक्चर होती है उनमें हाउसफुल शो होते हैं, तो पब्लिक इतनी आती है कि मेरे को मजा नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों मैंने मंगा लिया है मेरा फेवरेट प्रोजेक्टर, जिससे मैं अपने घर को ही टॉकीज बना दूंगा। गप्पूड़ी का घर बना सिनेमा हॉल, ऐसी वीडियो भी आएगी गप्पूड़ी के चैनल पे, जिसमें गप्पूड़ी जो है वो आपको पिक्चर दिखाएगी, उसके चैनल पे डालूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग बताऊंगा कि कैसा प्रोजेक्टर है और क्या सिस्टम है, ठीक है? तो जुड़े रहिए हमारे व्लॉग में, कहीं जाइएगा नहीं, आपको देखने को मिलेगा सॉरी व्लॉग्स पे प्रोजेक्टर बढ़िया वाला। मैं भी अनबॉक्सिंग करूंगी प्रोजेक्टर की। ठीक, ये भी अनबॉक्सिंग करेगी, मेरा प्रोजेक्टर है। ए, तेरा मेरा मत कर, सब मेरा ये। ये? चल ठीक है, तू भी अनबॉक्सिंग कर लेना। ये भी देखेगी पिक्चर देखूंगी। कौन सी पिक्चर देखेगी? मैं तो एंटरटेनमेंट देखूंगी, मेरे भाई की फिल्म। दे लो अमड़ी को एंटरटेनमेंट पिक्चर देखेगी, अक्षय कुमार की, जिसमें वो डोगी रहता है। आपको तो पता ही है दोस्तों, एंटरटेनमेंट फिल्म में वो एक साथ कितने सारे डॉग्स को बुला लेता है, वो अपने भाई बंधु बता के। वैसे ही हमारी गप्पूड़ी जो है वो भी उनको भाई मानती है, और देखो अभी कैसे बोल से खेल रही है। लाओ, 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 लाओ। जब तक हमारा प्रोजेक्टर आता है दोस्तों, हम ऐसा करते हैं, लोहा लक्कड़ जो आया है प्रोजेक्टर टांगने का, इसी को ओपन करके इसी का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलिए मम्मी अनबॉक्सिंग करेंगे लोहे लक्कड़ की। देख लो अमड़ी को कैसे खुश हो रही है, वो गाना गाते। अरे कोई मुझे जंगल कहे, देख लो अमड़ी को गाने गा रही है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। है ही सही, तू तो जंगली। किसको जंगली बोला तूने? अभी दिखाती हूँ जंगली बना। एक दोस्तों बैड लक, मम्मी जो है वो पार्लर में जा चुकी हैं, तो मम्मी हमारी अनबॉक्सिंग में हमारा साथ नहीं देगी। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खोल लेता हूँ अनबॉक्सिंग। अरे कटो, अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं ही कर देती हूँ अपने दांतों से अनबॉक्सिंग। करो रे अनबॉक्सिंग करो। तेरे को नहीं करनी अनबॉक्सिंग, टूट गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं थोड़ा मैं ही करूंगी अनबॉक्सिंग, मजा आ रहा है अनबॉक्सिंग करने में तो। ये बेटे ऐसे अनबॉक्सिंग नहीं की, बहुत मोटा कवर है, बहुत सेपरेटी से आता है। मोटा कवर है भी बताता, मेरे दांतों की ताकत तूने नहीं देखी, बाबू भी दिखाती हूँ मेरे दांतों की ताकत।
ऐसे अनबॉक्सिंग कर रही है, देखो तो गड़ा गड़ा के दांत को अनबॉक्सिंग कर रही है। अनबॉक्सिंग करते करते मेरी वाट लग गई, क्योंकि आपको पता दोस्तों ये अंदर देखो ये बोरी है, बोरी कट्टा नहीं होता था जिसमें गेहूं रखते हैं अपन, वो कट्टा है ये देख लो, बहुत मजबूत कट्टा, मतलब देखो ये अब हमारा माउंट है जिसको हम निकाल रहे हैं। दोस्तों जो हमारी रिंग लाइट लगी है उस रिंग लाइट से थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा था, ब्लर ब्लर आ रहा था ऐसे ऐसे करके, इसलिए मैं उधर से आ गया। सब्र करो मिलेगा, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अरे गप्पू ये तो चोखो माल है। चोखो माल है क्या, तो खोल के दिखाते सही चोखो माल को। एक चोखा माल देखी किलो अमड़ी। ये दोस्तों आप देख सकते हो मैंने खोल लिया है, ये हमारे इसके माउंट से जो देखो ये अब इसमें दोस्तों बोल्ट वोल्ट भी आवाज आ रही है मुझे सरों की, अगर बोल्ट घूम गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसको छेड़ते नहीं है। भैया बुलाएंगे हम दोस्तों दुकान से जो कि हमारा दीवार पे इसको लगाएगा, और उस भैया के आने तक हम इसको 1% भी नहीं खोलेंगे, वरना अगर एक भी बोल्ट इधर उधर हो गया हमारी पूरी वाट लग जाएगी 700 रुपए की। आप ऊपर से ही देख लीजिए फिलहाल, ये देखिए पूरा इक्विपमेंट है ऐसा, देख लिया गप्पू ली, देख ले तू भी, हाँ तू भी देख ले एक बार। मुझको भी बढ़िया लग रहा है। नहीं खाने की चीज नहीं बैठू है, मजाक कर ली थी, मेरे को क्या अनपढ़ समझता है क्या, बारहवीं पास हूँ मैं। ठीक बारहवीं पास है ये लोमड़ी, ग्रेजुएशन नहीं करी। अरे वो भी कर लेती लेकिन मैं थक गई थी पढ़ पढ़ के, तो मैंने छोड़ दी पढ़ाई। देख लोमड़ी को, अच्छा पढ़ाई छोड़ दी तूने बारहवीं के बाद, इसलिए तू ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, चल कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अब ग्रेजुएशन करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बहुत वैल्यूदार होगी यूट्यूब पे आने से। देख लोमड़ी, इस प्रोजेक्टर को मंगाने के लिए दोस्तों आपको पता है मैंने 8 महीने वेट किया है, मैं टालता जा रहा था फिर टलता भी चला गया, नहीं तो लेने में तो पहले भी ले लेता, मैंने बोला इस महीने तो लेना ही है तो ले लिया मैंने। पिक्चर देखेंगे, नाटक देखेंगे, हॉरर वीडियोस, और मतलब यूट्यूब नेटफ्लिक्स हॉटस्टार सब फीचर है दोस्तों, सबसे टॉप मॉडल है। हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं हमारा जो प्रोजेक्टर है, जो हमारी जान है इस रूम की, जिससे हम हमारे इस रूम को बना देंगे टाके। देख लोमड़ी को, वहां से भी बोल रही है लोमड़ी। ये देखिए दोस्तों जब तक हम प्रोजेक्टर का वेट कर रहे हैं, ये देखिए कुलदीप चने खा रहा है और ग्रीन मूंग खा रहा है, शरीर बना रहा है। ये देखो दोस्तों हाथ में मूंगफली भी खा रहा है, क्यों रे मेरी मदद नहीं कर सकता तो वीडियो बनाने में, आके शरीर बना रहा है। लोहा लक्कड़ को कौन करेगा, देख थोड़ी सी मदद तो कराए कर बड़े भाई की, मेन प्रोजेक्ट आएगा उसमें कराए। हाँ उसमें क्या कराएगा, बॉक्स बॉक्स निकलेगा उसको तो देखने के लिए मजा आएगा तुझे, शाना रसाना। मैं तो सोचता मम्मी मेरी मदद कराएगी अनबॉक्सिंग करने में, लेकिन मम्मी भी पार्लर में चली गई दोस्तों। प्रोजेक्टर आएगा ना जब देखना सारे आ जाएंगे। ये मम्मी मम्मी तो इधर है दोस्तों। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरी यारी की, देख लो लोमड़ी को। इंतजार कर रही है क्या? हाँ यार डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया, मैंने तो सोचा था बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत टाइम लगा रहा है, तो पार्ट्स तो पहले भेज दिए लेकिन मेन माल तो आया नहीं। लोमड़ी दोस्तों गेट पर ही वेट कर रही थी जब तक मैं ये पुर्जे जो है अलग अलग करके इनको जोड़ने का सही तरीका सीख रहा था कि कैसे जुड़ेंगे। फिर हमारे एक साक्षी इलेक्ट्रॉनिक वाले भैया हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक वाले भैया को बुला के इसको मैं दीवार पे सेट करवाऊंगा। वो क्या है मशीन लेके आएंगे दीवार में छेद करने वाली, और उसमें आराम से ये सेट होने के बाद लगा देंगे। इसका मैंने पूरा परिवार अलग कर रखा है, अभी पूरा परिवार जुड़ जाएगा कुछ देर बाद, इसको हम टांग देंगे दीवार पे। जब से तेरा थोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक कर देता हूं। प्रोजेक्टर वाले आ गए, चलो प्रोजेक्टर लेने। ऊपर चली गई लोमड़ी। तो दोस्तों आ चुका है हमारा ऑर्डर, ये देख डिलीवरी बॉय, ये डिलीवरी वाले बन गए आ जा कपूड़ी, चलो अंदर लेके चलो प्रोजेक्टर आ गया। ये प्रोजेक्टर मेरा प्रोजेक्टर है, मेरा प्रोजेक्टर है, मेरा प्रोजेक्टर दे दो। देख लो मुड़ी को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ भाई, प्रोजेक्टर लेके अंदर चला के देखेंगे कैसा लगता है। चलिए अंदर चलिए सर, आपका भी प्रोजेक्टर आपका भी है। ये मुझे मेरा प्रोजेक्टर दे। जो कितनी एक्साइटेड है हमारी प्यारी गप्पूड़ी जी। जो हमारा माउंट आया था ये मैंने जोड़ लिया है, ये दीवार पे देखो दोस्तों ऐसे कुछ लगेगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, फिर दीवार पे लगाऊंगा ये ऐसे लगेगा और इसके नीचे प्रोजेक्टर टंगेगा। अब दोस्तों हम खोलने जा रहे हैं हमारा मेन बॉस द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर ये तो मुझे मेरा प्रोजेक्टर। इधर आजा चुपचाप चोपर बैठ जाओ, यहाँ से देख ले तू। मैं तो यहाँ से देखूंगी कुलदीप के साथ बैठ के। फ्रूटी दे फ्रूटी फ्रूटी दे मुझे। देख लो मुड़ी को, कुलदीप को मार रही है फ्रूटी के चक्कर में, फ्रूटी भी नहीं पी रहा है तो लीची पी रहा है। अनबॉक्सिंग मैं नहीं करूंगा, मम्मी करेगी अनबॉक्सिंग, ठीक है। A few minutes later. मम्मी को नहीं आया दोस्तों खोलना, इसलिए कुलदीप जो है कोशिश कर रहा है। ये देखिए आपकी कोशिश, इसको भी अनबॉक्सिंग करने दो। एक बेटू तो तोड़ देगी, अनबॉक्सिंग नहीं करेगी। ये देखिए दोस्तों हमारा बॉक्स जो है ये खुल रहा है, और ये मैंने खोल दिया इसको, ये बात। ये देखिए दोस्तों ब्लैक बॉक्स आया दोस्तों, पैटी आई पैटी, डायमंड प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन जैसा लग रहा है दोस्तों। ये तो ये है हमारा दोस्तों ई गेट का प्रोजेक्टर, कब आएगा फाइनली ये मेरे हाथ में, और अब हम इस
पूरे रूम को टॉकीज बना देंगे, चारों तरफ पर्दे लग रहे हैं, आप दिखा सकते हो मम्मी पर्दे वर्दे सब। पर्दे लगने का तो एकदम अंधेरा हो जाता है रूम में, कूलर भी है तो आप एसी की जरूरत भी नहीं, एकदम ठंडी हवा देता है। खोलने से पहले हमारी प्यारी गप्पूड़ी को दिखाना बहुत जरूरी है वरना वो उसको तोड़ देगी। प्रोजेक्टर हाँ बढ़िया प्रोजेक्टर मंगा रहे, कंपनी तो बढ़िया लग रही मेरे को, ब्रांडेड एक नंबर। हाँ देख लिया लो अमरी ने प्रोजेक्टर। ये देखो इसकी पकड़ने का, ये भी आया दोस्तों सूटकेस की तरह, जैसे सूटकेस पकड़ के ले जाते हैं ना, सूटकेस प्रोजेक्टर का सूटकेस। इसकी प्रमाणित है कि अभी तक इसको किसी ने खोला नहीं और एकदम ओरिजिनल पैक है। पूरी जी तो देखिए बराबर बैठ गए, अभी से बराबर बैठ गए, देख लो। मुझे प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है कुलदीप, चुपचाप से कुतर दे मेरे, नहीं तो तेरे झापट मार दूंगा एक ही बार में। प्रोजेक्टर वाला बन रहा है बड़े। प्रोजेक्टर की फीस ले रही गप्पूड़ी कुछ रहा के, कितने पैकिंग में आता है देखो मम्मी दिखाओ इनको, ये देखो फुल पेटी प्रो। वाओ इतना सुंदर प्रोजेक्टर है दोस्तों, ब्लैक कलर में एकदम ब्लैक ब्लैक ब्यूटी है। तो ये देखिए दोस्तों इसके साथ इसकी केबल आई है लगाने की, इसको रख देते हैं। ये आई है, ये देखिए कितना छोटू सा रिमोट आया है इसके साथ, ये इसकी कुछ मैनुअल आई है की किस तरह से इसको लगाना है। और फाइनली ये आया है जम्बो पेटीस। ये बात पहले इसको पूरी तरह से हम स्टार्ट करके देखते हैं अच्छी तरह से, फिर आपको बताएंगे कि क्या इसका एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है अभी तो हमारे लिए भी बिल्कुल नया नया, इधर से इसका लेंस है और बाकी का फंक्शन मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। 2000 years later. तो दोस्तों मैं आपको प्रोजेक्टर दिखा देता हूँ, मैंने इसको सब कुछ चेक करके देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक वाले भैया आए थे, उन्होंने प्रोजेक्टर दीवार पे लगा दिया और ये रहा प्रोजेक्टर। देखिए दोस्तों यहाँ दीवार पे लगवा दिया मैंने, क्योंकि हमारी स्क्रीन जो है वो सामने प्रोजेक्टर की, जैसा भी मैंने आपको पहले बताया था उस जगह पर इतना ऊपर लगाया है कि लंबा सा लंबा व्यक्ति भी वो भी निकल जाए आराम से। वो तो ठीक है, लोमड़ी भी दिख रही है वीडियो में, लोमड़ी प्रोजेक्टर के तू भी दिख रही है मेरे को वीडियो में। इसका लेंस है, इसको निकाल देता हूँ क्योंकि अब वीडियो स्टार्ट भी करके दिखानी है मेरे को आपको। तो यहाँ रख दिया इसका ढक्कन मैंने इसके ऊपर। दोस्तों 27,000 की चीज है और साउंड सिस्टम इस प्रोजेक्टर के अंदर जो इनबिल्ट है वो भी बहुत मस्त है, लेकिन मुझको चाहिए था टॉकीज जैसा फील बिल्कुल। तो मैंने बताऊं क्या किया, स्पीकर भी जोड़ दिए इसी के साथ, तो अलग सा जैसे टॉकीज में आता ना मस्त साउंड, ऐसा साउंड आता है। देखिए एक ये रहा और एक ये रहा। और दोस्तों वूफर जो है मैंने इधर रख दिया है पीछे क्योंकि काफी बड़ा है, मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको बता देता हूं। और फिर आगे की जो वीडियो है पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न वाली वो गप्पूड़ी करेगा पूरा टॉकीज का इनॉग्रेशन। तो स्विच ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे प्रोजेक्टर की क्वालिटी। ये दो रिमोट, एक स्पीकर का है और एक प्रोजेक्टर का है। सामने दोस्तों आपको एकदम खाली दीवार दिख रही होगी, ये वही खाली दीवार है इस पर अभी प्रोजेक्टर की स्क्रीन आने वाली है, इसलिए पर्दा नहीं मंगाया मैंने इसका। ये हम बटन से स्टार्ट करते हैं स्क्रीन, ये नीला बटन जला और ये स्क्रीन चल गई स्क्रीन, लेकिन लाइट बंद करेंगे दोस्तों, पूरा माहौल बनाएंगे तभी अच्छा दिखेगा। ये देख घर का सिनेमा, यहाँ पर आप देख सकते हो इतना सुंदर हो जाता है दोस्तों हमारा लाइट जलते, पूरी वाइड स्क्रीन है, मैंने एंगल सेट कर रखा है ऑलरेडी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरी स्क्रीन है, यहाँ से लेके पूरी वहाँ पर्दे तक है, देख लो मतलब अच्छी खासी स्क्रीन मिली है मुझे दोस्तों। 27,000 रुपए दिए हैं, ऐसे फोकट की स्क्रीन थोड़ी मिलेगी। तो पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ क्या क्या चीज है ना, मैंने दोस्तों मोस्टली ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया है, जो करे हैं वो बता देता हूँ आपको। क्रोम, हॉटस्टार, iOS, ये देखिए मिरर कास्ट सिस्टम भी है दोस्तों, इसमें हमारे मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ नेटफ्लिक्स है, प्ले स्टोर है, Amazon प्राइम वीडियो है, YouTube है। इसके अलावा हम प्ले स्टोर से बहुत सारे एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे जरूरत नहीं थी इसलिए मैं नहीं किया। सेटिंग पे क्लिक किया और ये देखो यहाँ पर वाईफाई सेटिंग है, ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्शन है, ब्लूटूथ है, प्रोजेक्शन सेटिंग है, लैंग्वेज, डेट, एप्लीकेशन, मतलब काफी सारे फीचर्स है इसमें। मैं आपको ये फीचर दिखाना चाहता हूँ प्रोजेक्शन सेटिंग, क्योंकि इसमें यहाँ से क्या है अपन जूम कर सकते हैं, इस पर्दे को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ये पर्दा अभी इतना बड़ा है ना 100%, अब इसको आप अपने एलईडी लाइट एलईडी की तरह छोटा भी कर सकते हैं। देखो ये टीवी बन गया, अब टीवी जितना देखो बोला। अब हमको आपको दिखाते हैं YouTube, जो हमारा फेवरेट YouTube है। तो ये YouTube चल रहा है, ये देखिए तो आपको GoPro नहीं दिख रहा होगा, उससे अच्छा मेरे को रियल में दिख रहा है, रियल में एकदम प्रिंट वैसा आता है जैसे टाके जैसा फील आता है। देख लो अमड़ी ये भी आ गई दोस्तों अंधेरे में, देख लो तू सो रही थी तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करता। तो आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा कि अभी हमने लाइट बंद कर रखी है क्योंकि प्रोजेक्टर की स्क्रीन अंधेरे में ज्यादा अच्छी दिखती है, इसलिए आप एडजस्ट करिए। ये देख लीजिए दोस्तों क्वालिटी एड आ रही है गूगल पिक्सल की, मैं साउंड ऑफ रखूंगा, कारण आपको पता है दोस्तों क्योंकि साउंड अगर तेज रही तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। बाकी आप क्वालिटी देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको नॉन कॉपीराइट साउंड दिखा दूंगा। ये सॉन्ग दोस्तों आप देख सकते हो कुड़ी ये नहीं तेरी वाइब, मैं इसकी साउंड ऑफ कर देता हूँ। ये 180p पे चल रहा है दोस्तों, ये याद रखना। 4K अभी मैं आपको स्त्री मूवी दिखाऊंगा जो मैंने 4K में डाउनलोड करी है, उसका और अच्छा मजा है। कुड़ी ये नहीं तेरी वाइब, तेरे पीछे पीछे लावा मेरे तेरे कर दी तू वाइब। साउंड एक नंबर है, वो मैं आपको नॉन कॉपीराइट में बता के बताऊंगा कि गाना अगर चला दूंगा तो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट जाएगा, 10 मिनट की वीडियो है, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों आपने अभी देखी थी जो वीडियो थी कुड़ी है नी तेरी वाइब, सही बता रहा हूँ इतना मस्त साउंड आता है उस गाने पे, लेकिन साउंड कैसे लगाऊं वही सोच रहा हूँ कि नॉन कॉपीराइट म्यूजिक में तो मजा ही नहीं आएगा सुनने में, फिर भी आपको साउंड में दिखाऊंगा। काफी
काश यूट्यूब पर गानों पे कॉपीराइट नहीं आता ना, तो मैं इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाता आपको और एकदम मजा आता आपको। मैंने एक मूवी डाउनलोड करी है, 4K प्रिंट है दोस्तों, स्त्री ओ स्त्री कल आना यहाँ कोई मर्द नहीं, बड़ी मस्त मूवी थी, कॉमेडी भी थी, थ्रिल भी थी, डराना भी था, अच्छा खासा मैसेज भी था इस मूवी में। मैं माउस लेके आता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ाएंगे इस मूवी को, अभी एड चल रही है। नो स्मोकिंग दोस्तों, नो स्मोकिंग, ये वो सीन जिसमें वो स्त्री एंटर करती है दोस्तों विलेज के अंदर, बहुत मजा आता था रात में ऐसी हॉरर मूवी देखने का। ओ स्त्री कलाना तगड़ी मूवी है भाई, कुछ ही क्यों। तो दोस्तों मैंने आपको स्त्री मूवी का भी प्रिंट दिखाया, 4K प्रिंट था, 5GB की मूवी डाउनलोड करी थी, बहुत जोरदार प्रिंट है, कुछ साइटों पे 18 GB की भी मिलती है, साउंड भी इसकी मेरी बात मान के यकीन करो बहुत जोरदार है। प्रोजेक्टर की तो अच्छी खासी यही सही, लेकिन मैंने अपना वूफर जोड़ा जब से और मजा आ गया। कॉपीराइट से बचने के लिए अभी एक चीज करने वाला हूं, जैसे ही गाना स्टार्ट होगा मैं भाग जाऊंगा उस रूम में, वापस भाग के आऊंगा, तो थोड़ा सा अपन सुन पाओगे आप, ठीक है। और इसके बाद भी देखिए कॉपीराइट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके बाद भी आ गया तो मेरी पुंगी बच जाएगी पूरी एक नंबर की। भागो भागो आवाज से बचाओ कॉपीराइट से, ठीक है। देखा अभी आवाज आई थी, वापस जाऊंगा ना मैं। अरे देखो पुड़ी पुड़ी है नी तेरी, दोस्तों सर्च करते हैं सौरव जोसेफ ब्लॉग, क्योंकि हमें लगता है कि इतने बड़े यूट्यूबर है ये हमें कॉपीराइट नहीं मारेंगे। उसका बर्थडे की गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कोई नेचुरल जगह पर जाए और वहाँ से पर्वतों को निहारे और एक वीडियो में निहारे, बस उतना ही अंतर है, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस यहाँ ले रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ, रात में पिक्चर देखने का, गाने सुनने का, और मेरे को पता है मैं कितना ही बता दूं आपको वो इफेक्ट नहीं मिल पाएगा जितना मैं इसको महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक रियलिटी और एक मोबाइल में देखने की बात अलग होती है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों गप्पूड़ी के चैनल पे आएगी, इसलिए गप्पूड़ी के चैनल पे तैयार रहिएगा, पूरे जोश में आ चुका हूँ वापस से मैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस व्लॉग को खत्म करते हैं, अगर व्लॉग आपको अच्छा हो तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों जिसने हमारा फेसबुक पेज सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा फेसबुक पेज भी तो सब्सक्राइब करो, लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और फॉलो हमको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब जगह हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ गप्पूड़ी तू ही कर दे, ठीक है दोस्तों।